पिछले तीन दिनों से जारी बारिश आज थमी जरूर है, लेकिन चांडिल डैम के डूबे क्षेत्र में आने वाले गांवों में अब भी 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके कारण डैम विस्थापितों के कई परिवारों ने पातकुल पुल पर तंबू डाल दिया है और पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ जाने के कारण शनिवार को ईचागढ़, कुकड़ू और नीमडी के दर्जनों विस्थापित गाँव जलमग्न हो गए थे। वही चांडिल डैम का जलस्तर घटने के बावजूद गाँवों से पानी नहीं निकला है, जिससे विस्थापितों की परेशानी बनी हुई है। ईचागढ़ में हर साल चांडिल डैम का पानी बढ़ने से गांव में पानी घुस जाता है, जिससे विस्थापितों के घरों और उनमें रखे सामानों को काफी क्षति पहुंचती है। उसके बावजूद ईचागढ़ के विस्थापित अपने इन कच्चे पक्के घरों को छोड़ना नहीं चाहते। इनमें से कई विस्थापितों को मुआवजा व पुनर्वास की सुविधा मिल चुकी है, लेकिन रोजी रोजगार के लिए विस्थापित ईचागढ़ गाँव में ही डेरा डाले हुए हैं। वही विस्थापितों का कहना है, 4 दशक पहले चांडिल डैम का निर्माण हुआ था, औने पौने दाम पर जमीन ले ली गई, साथ ही विस्थापितों को नौकरी भी नहीं मिली, केवल नाम के लिए कुछ लोगों को नौकरी दे दी गई। विस्थापित परिवार अपने रोजी रोटी के लिए अपने गांव में ही जान जोखिम में डालकर डेरा डाले हुए हैं। ये सब हम लोग का पूरा मकान का सामान पूरा डूब गया, अभी हम लोग कहाँ जाएगा? अभी हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक मकान भी नहीं है, अभी कहाँ जाएगा बोलिए। मुआवजा मिला है कि नहीं? मुआवजा तो पहले मिला हुआ है, हम लोग का लिए तो नहीं मिला, फिर पिताजी ले लिया, अभी तक हम लोग तो कुछ मिला ही नहीं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।